सवाल है आपके पास, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ Ni50 KCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.0002765 मोज सेंटीमीटर इनवर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन is 500 ohm, what is the cell constant? चलिए, ये तो नहीं हुआ होगा पक्का, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं हुआ होगा. सॉल्व दिस क्वेश्चन. कितने लोग आ गए हैं फटाफट से सेशन के अंदर, कितने लोग अभी एक्टिव हैं, अच्छी तरीके से एक्टिव हैं, जल्दी से अपने बारे में बताइए. मतलब यस 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 या थम्स अप या हैंड रेज, जो भी आप कर सकते हैं वो आप करिए फटाफट से. जितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी के सेशन में, मुझे नंबर से मतलब नहीं है कि नंबर में 50 आ गए, 40 आ गए, 30 आ गए, इससे फर्क नहीं है. एक्टिवली कौन कौन है जो मेरी बातें सुनेगा. हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया. बस 16, हाँ ग्रेट, नॉट गुड नंबर. आप 17 18. हाँ तो अब इतने लोग अगर आपके एक्टिव हैं, मेरी क्लास में इतने लोग एक्टिव हैं, 20-21 लोग हैं जो एक्टिव हैं, बाकी लोग इस समय केवल नाम की जनसंख्या है, वो काम की जनसंख्या नहीं है. तो उन लोगों से ये अनुरोध है, इन बच्चों से जो आपके एक्टिव हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ट्राई करें इसको सॉल्व करने की. बहुत आसान सवाल है, हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो, मतलब कैलकुलेशन मतलब थोड़ी सी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़े, क्योंकि इसमें कोई बड़ा सा हमें वो फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, फॉर्मूला हमें छोटा सा ही लगाना है. मिताली का आंसर आया है, ग्रेट बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. और किसी का कोई आंसर? थोड़ा सा अटेम्प्ट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा ना, अटेम्प्ट तो पूरा करना पड़ेगा. एक ही आंसर आया है, बाकी लोगों का आंसर नहीं आया अभी तक. यार ये ऐसे कैसे हो रहा है जब इतने लोग एक्टिव हैं, और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसमें तो कोई नई कहानी है नहीं जो आपको पहली बार सुना हो आपने. नहीं बेटा आरुषि, गलत हो गया कहीं पे, चेक करो. संजना, हाँ करेक्ट है बेटा. अनिकेत, गलत है, करेक्ट करो उसको. चलिए बहुत बढ़िया, इतना अटेम्प्ट करने के लिए. दो लोगों का तो आंसर आया, इसी में ही उम्मीद है काफी. चलो इतने लोग तो कर रहे हैं.
आपको मैंने बताया था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है आदित्य राज। हाँ ग्रेट बेटा, बहुत बढ़िया। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है कापा इज इक्वल टू क्या बनता है आपका, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। याद है किसी को, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कापा इंटू रेजिस्टेंस। हाँ प्रत्युष यही है, सुरुचि बेटा थोड़ा सा गलत हो गया। जीरो ठीक से काउंट करना तभी आपका मल्टीप्लाई सही आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, कापा और रेजिस्टेंस, तो दोनों की वैल्यू की बात करते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमको दे रखी है कितनी, 0.0002765, बहुत बढ़िया। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई केवल इसको करना है, अगर आप इसको ठीक से मल्टीप्लाई कर पाते तो आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0.138। यूनिट क्या होगी इसकी, जरा बताइएगा कोई, इसकी यूनिट क्या लेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स, बहुत बढ़िया। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो अगला एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, है ना। आपसे कह रहा है, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखता भी जा रहा हूँ क्वेश्चन, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएगा ये क्वेश्चन, ये काम आएंगे आपको प्रैक्टिस सेशन में भी, आपको अच्छे से लगेंगे, मतलब आप इनको रिवाइज कर लेंगे तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब आपको क्या कह रहा है, 0.01 नॉर्मल, नॉर्मलिटी तो आप सब जानते होंगे ना, कोई ऐसा जिसने नॉर्मलिटी आज से पहले कभी सुनी ना हो, सॉल्यूशन ओम्स इन अ कंडक्टिविटी सेल, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 0.00141 मो सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ अ 0.02 नॉर्मल, देखो हो सकता है क्वेश्चन देखने में बड़ा लगे बट ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन होते नहीं है कि आपको सॉल्व ना हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी थोड़ी सी टफ हो सकती है और जो जरूरी भी है क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए। 0.02 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड शोज अ रेजिस्टेंस ऑफ 80 ओम्स इन द सेम सेल, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द एसिड। अच्छा मेरा लिखा हुआ सबको क्लियरली चमक रहा है ना, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ऐसा तो नहीं है कि सर ये आधा दिखाई दे रहा है ये पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है चलो अभी
9:20 हुए, 9:23 तक का टाइम है, 3 मिनट का टाइम है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. 3 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, करिए. सवाल समझ में आया? आपसे कह रहा है कि 0.01 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस 225 ओम है कंडक्टिविटी सेल के अंदर. इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको टेम्परेचर पे दे रखी है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालिए कितनी आ रही है. 0.00141 mho यानी mho cm inverse. आपसे कह रहा है कि अगर मैं इफ 0.02 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एसिड शोज अ रेजिस्टेंस ऑफ 80 ओम, अगर आपका 0.02 नॉर्मल जो रेजिस्टेंस है वो नॉर्मल सॉल्यूशन है वो अगर रेजिस्टेंस शो कर रहा है 80 ओम का सेम सेल के अंदर, तो आपको बताना है स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ डेट एसिड. आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बतानी है उस एसिड की. चलिए, बहुत आसान सवाल है. एक की इंफॉर्मेशन से दूसरे की इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करनी है. स्पेसिफिक कंडक्टेंस अनिकेत या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या कैलकुलेट किया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? संजना, ये आपका क्या आ रहा है, ये आपकी किसकी वैल्यू है मुझे बताएंगे? 10^-3 ये किसकी वैल्यू आप जो, अच्छा कंडक्टिविटी, ओके आदित्य, हाँ ग्रेट. अनिकेत इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अच्छा जो आपने पहले बताई थी वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस थी, ओके. संजना स्पेसिफिक कंडक्ट, ना ना बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस थोड़ा सा चेंज करो, मतलब कैलकुलेशन चेक करो. देखो आप जो भी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू पूछी हुई है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा कि आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो. ऐसी हवा में तीर मत मार देना कि कुछ भी लिख दोगे, है ना. या तो आप यूनिट के साथ लिखो या फिर आप उसके सिंबल के साथ लिखो, है ना. स्पेसिफिक कंडक्टेंस 0.0039, ओके, और ये आया 0.0, नहीं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बेटा ठीक नहीं आई है आपकी. प्रगति मिताली, एक कंडक्टिविटी में बेटा आपका एक जीरो मतलब कम लगा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में एक जीरो कम रह गया, बाकी दूसरा सही है. रुचिका बेटा आप तो बहुत दूर निकल गए. अनिकेत, ये आपने क्या निकाला है, मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आपका गलत आया है, ये थोड़ा सा ठीक करिए इसको.
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया, अच्छा लगा मुझे कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने के बाद मुझे दो चीजें समझ में आई। मुझे फॉर्मूला पता है किसका, अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालने जाऊंगा तो उसमें मेरे को क्या क्या जरूरत पड़ती है। एक तो आपको सेल कॉन्स्टेंट की जरूरत पड़ती है और दूसरा आपको किसकी जरूरत पड़ती है, रेजिस्टेंस की। हमारे पास एसिड के लिए क्या गिवन है, एसिड के लिए केवल रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस ही हमें पता है एसिड का, तो हमें क्या चाहिए होगा, सेल कांस्टेंट। और उसके आगे साफ साफ लिखा हुआ है कि सेम सेल में हम ये सब प्रोसेस यूज कर रहे हैं। तो अगर हम पिछले डेटा, मतलब जो स्टार्टिंग की लाइंस में डेटा दिया हुआ है, उससे अगर हम सेल कांस्टेंट निकाल लें तो क्या हम इसको यूज कर पाएंगे, है ना। तो हम क्या करें, देखो सॉल्यूशन में आप देखें, ध्यान से देखना बेटा, आपको क्या दे रखा है, HCl दे रखा है कितने, KCl दे रखा है आपको कितने, नॉर्मेलिटी का 0.01 नॉर्मेलिटी का आपको KCl दिया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या दे रखी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी दे रखी है। तो अगर हम बात करें कापा, कापा फॉर KCl, ये आपको कितना दे रखा है, ये इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.00141, ये आपको वैल्यू दे रखी है, यूनिट भी मैं लिख देता हूं मो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब ये आपको मिल गई और इसका रेजिस्टेंस भी आपको पता है और इसकी कंसंट्रेशन भी आपको पता है, तो हम कापा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेल कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और मैंने कहा कि सेम सेल के लिए सेल सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, सेम सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो अब यहां से अगर हम सेल कांस्टेंट निकालें, सेल कांस्टेंट ये क्या हो जाएगा, कापा इनटू रेजिस्टेंस, तो कापा की वैल्यू कितनी है आपकी, कापा की वैल्यू आपके पास है जो 0.00141, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, अरे बोलो, केसीएल के लिए, तो ये आपको क्या आ जाएगा, 225। अच्छा, इसको आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आपको कितना बन गया होगा, लगभग 0.317 के आसपास बन गया होगा, ठीक है। और यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स, ये किसकी यूनिट है, सेल कांस्टेंट की। तो आधा काम तो हमारा हो गया, अब सेल कांस्टेंट हमें मिल गया। अब हमें अगला काम क्या करना है, हमें अगला काम करना है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसके लिए निकालनी है, ये निकालनी है हमें किसके लिए, एसिड के लिए, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं कापा फॉर एसिड, इसके लिए क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट 0.3173 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 80, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.96 × 10⁻³, जो सभी का आ रहा था, लगभग लगभग सभी का ये वाला आंसर तो करेक्ट ही आया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपसे क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहा है, क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला, सबको याद होगा, 1000 × कापा डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, यही होगा, 1000 × कापा डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। तो ये आपका नॉर्मेलिटी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, तो आपको वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1000 हो गया, कापा की वैल्यू अभी आपने निकाली है 3.96 × 10⁻³, और नॉर्मेलिटी कितनी है हमारे पास, नॉर्मेलिटी हमारे पास है 0.02। अब आपके पास पूरा पूरा चांस है इसको सॉल्व करने का, अगर आप अब भी सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप सॉल्व कर लो, आपका ये बन जाएगा 396/2, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका लगभग लगभग क्या आ जाएगा, 198 आ जाएगा, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी भी किसी को इसमें, चलिए
लगभग लगभग वही नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा अलग सोचना भी पड़ेगा, ऐसा थोड़े ना होता है कि लगभग लगभग। आपके बोर्ड एग्जाम में इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन का। आप जो अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन करोगे वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वहां पे चार ऑप्शन होते हैं आपको टिक मारने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अपनी हैबिट अभी से गंदी मत करिए कि नहीं नहीं अप्रोक्सीमेशन में चलेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम अगर आपको देने हैं तो अप्रोक्सीमेशन को थोड़ा सा खुद से दूर रखिएगा, तो आप बोर्ड एग्जाम को अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप परेशानी में फंस जाएंगे, ठीक है। चले अगला सवाल करें। पहले एक सवाल करा दे रहा हूं, फिर मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसका नाम है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंडक्टिविटी से कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो हम उसकी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले एक सवाल कर लेते हैं। सवाल आपको क्या कह रहा है देखो ध्यान से। फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एनी एसिड, द मोलर कंडक्टिविटी इज 2 × 10^2 टू माइनस टू, 2 × 10^-2, सॉरी प्लस टू आपको दे रखा है, और इसकी यूनिट आपको दे रखी है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा मोल इनवर्स। ये आ गया, आपको मोलर कंडक्टिविटी इतनी दे रखी है। एंड एंड द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा इज 1.6 × 10^-4 माइनस एट, सॉरी 1.6 × 10^-8, ये कितना लिया है मैंने, प्लस टू लिया है ना, तो माइनस एट तो ज्यादा हो जाएगा यार। फिर पता चला तुम तो मेरे को गालियां दोगे, सर ये कितना करवा दिया आपने। -6 ठीक रहेगा? हाँ ठीक रहेगा, चलो 5 ठीक रहेगा। और आपको क्या दे रखा है इसके आगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इफ द एसिड इज डायबेसिक देन कैलकुलेट पीएच। डायबेसिक आप जानते हैं, कितने लोग डायबेसिक जानते हैं कि डायबेसिक क्या होता है? गुड, यार एक ही करेक्शन कर ही लो, बाद में मेरे को बड़ा दुख होगा अगर आंसर नहीं आया इसका तो। हाँ जी प्रत्युष,
जल्दी से सॉल्व करिए इसको। डाई बेसिक क्या होता है? मैं पूछ रहा था जब, तो फिर कोई उस समय कोई नहीं बोलता। डाई बेसिक का मतलब होता है जो आपका सॉल्यूशन में दो एच प्लस डोनेट कर सकता है। कोई बात नहीं प्रत्युष, तो आप सीधे लिख लो, आपको कोई रोकने वाला तो है नहीं। कठिन सवाल हो गया क्या? आपको सबको पता है ना पीएच कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कैसे आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम रिलेट करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी आपके अभी जब भी कंडक्टिविटी और सेल पढ़ोगे तब भी वहां पे इसको रिलेट करवाना पड़ेगा आपको, है ना? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो चीजों को सीख लो जो सीख सकते हो। वन पॉइंट टू एक आंसर आया, और किसी का कोई आंसर? नहीं, पीछे मेरा व्हाइट बोर्ड है, वो बीच में हमने स्विच बोर्ड व्हाइट बोर्ड में लगवाया हुआ है प्रत्युष। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा इसको अच्छे से, है ना? सवाल कर भी लिया होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कंसंट्रेशन निकालना। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है? देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला किसी को याद है? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो लैम्डा मोलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 इंटू कापा इंटू मोलरिटी, ये होता है। अब मुझे क्या निकालना है? मोलरिटी निकालना है भाई। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 इंटू कापा डिवाइडेड बाय लैम्डा मोलर। ओके, अब यहां पे जो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो आप रख दो। तो ये आपका 1000 तो है ही, इसकी तो वैल्यू देने की जरूरत ही नहीं है। कापा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी स्पेसिफिक? ये आपकी हो जाएगी 1.6 इंटू 10^-6 डिवाइडेड बाई, ये कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 10^2, है ना? अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं मन कर रहा है तो मत करिए, बाकी आपकी इच्छा है। तो सॉल्व करके कितना आ रहा है बोलो सरदार? तो ये आएगा 8 इंटू 10^-6, ये आ रहा है। ये मोलैरिटी आ गई, ये आपकी क्या आ गई? मोलैरिटी आ गई। अब क्योंकि आपका डायबेसिक एसिड है, कैसा एसिड है? डायबेसिक एसिड है, तो मोलैरिटी से क्या मैं नॉर्मेलिटी निकाल सकता हूं, या फिर नंबर ऑफ एच प्लस निकाल सकता हूं, या सॉरी कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस निकाल सकता हूं? तो कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितना मिलेगा? टू टाइम्स ऑफ मोलरिटी। मैं कह रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, अब वो हुआ ही। पहले मैंने सही क्वेश्चन दिया था, बाद में मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैं अभी इसको
इसको चेंज करना अपनी कॉपीज में सारा का सारा, वरना मेरे को फिर यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब सही है, तो H प्लस कंसेंट्रेशन हमारे पास ये हो गई। ठीक है, अब H प्लस कंसेंट्रेशन हमारे पास ये हो गई, और बेसिक कंडीशन में जो पहली कंडीशन दे रखी थी उसमें पीएच आपका कितना आता, 7 आता, तो उसमें भी डरने वाली बात नहीं है। 7 नहीं आता तो 7 से थोड़ा सा कम आता, करीब 6.93 के आसपास, तो उसमें भी डरने वाली बात नहीं है, वो भी वही है, सरल है। लेकिन मैं उस चीज को अवॉइड करना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि कॉमन आयन इफेक्ट तुम्हें ना पढ़ाऊ मैं यहाँ पे, वो आयन इक्विलिब्रियम में तुमने पढ़ा होगा। तो हम H प्लस की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे H प्लस का फॉर्मूला पीएच का फॉर्मूला लगा देंगे, पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अच्छा, कितने लोगों को 1.6 का लॉग आता है, आता है तो निकालो फटाफट से। सिक्सटीन का लॉग क्या होगा, सिक्सटीन टू के टर्म में कितना बनता है, टू की पावर 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0.3, तो आपका सॉल्व करके कितना बनेगा, 7 माइनस 1.2, तो कितना आ जाएगा, ये अब आइए मैं दो नए चीजें आपको बता दूं जो आजकल ट्रेंड्स में है, आजकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछी जाती हैं, अपार्ट फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड में नहीं आएगी बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका ट्रेंड बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, इसके क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए। तो छोटी सी चीज है, उसको अगर आप बोर्ड में केवल बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपको कॉम्पिटेटिव पढ़ना है तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस इतना आपको मैं कहने की बात कर रहा हूँ, बाकी आपका मन है, अगर आप लिखना चाहते तो लिख लेना, ये आपका बोर्ड के लिए नहीं है फिलहाल तो मैं बता दूं पहले से। एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है, तो ये जो आपका आएगा एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये एक्चुअली होता क्या है मैं बता देता हूं। एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और ये कुछ और नहीं, ये आपका क्या होता है, जैसे आपने वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ा है सोल्यूशन के अंदर, वेंट ऑफ फैक्टर सोल्यूशन के अंदर अगर आपने पढ़ा हो आई, है ना, तो वेंट ऑफ फैक्टर एक्चुअली क्या कहता है आपका, वेंट ऑफ फैक्टर कहता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है और आपकी आपकी थ्योरिटिकल वैल्यू क्या है, उनके बीच का रेशियो आपको बोलता है, वो आपका क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर होता है। जैसे NaCl के लिए वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा, क्यों आएगा 2, क्योंकि देखने में लग रहा है 1 मोल है बट पानी में जाके वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होकर 2 मोल बनाएगा, 2 आयन बनाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी हमारा कंसेंट्रेशन से रिलेटेड आपका क्या होता है, डेफिनेशन होता है, तो इसको डिफाइन होता है, इसको इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट बोलते हैं। केवल इसका फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में आने की संभावना रहेगी, क्योंकि जेई एडवांस में इसको इंक्लूड किया गया है, तो इतना याद रखिएगा। तो गामा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आपका बनेगा, जितने लोग जेई एडवांस वाले हैं वो अपने लिख लें इसको, इफेक्टिव कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल कंसेंट्रेशन।
ठीक है, तो आपको इसमें सिंपली पूछेगा कि अगर किसी सॉल्यूशन की इफेक्टिव कंसंट्रेशन इतनी है और उसका गामा इतना है तो उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या होगी। इस तरीके से रिलेट रिलेट करके आपसे सवाल पूछ सकता है। बट क्योंकि ये नई क्वांटिटी है, नई नई टर्म है, तो ये बच्चों को नहीं पता होती है, क्योंकि ये हमें ग्रेजुएशन में पढ़नी होती है सारी टर्म। तो बस आपको केवल इतना याद रखना है इस फॉर्मूले को, गामा इज इक्वल टू इफेक्टिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल कंसंट्रेशन। एम आई क्लियर? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? लिख लिया सबने? ठीक है, एक टर्म और जो हमारे बोर्ड में भी आती है और इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा वो आप देखें। ये आपका केवल यहां पे लिख देना स्टार बना के, ओनली फॉर एडवांस। ठीक है, ये लिख लेना है। अब अगला एक और टर्म लिखें। अगली टर्म हमारे पास क्या होगी, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम बोलते हैं क्या, अल्फा। ठीक है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन का मतलब होता है कई बार टेम्परेचर के बेसिस पे आपकी जो नेट कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज या इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो आपकी कंडक्टिविटी क्रिएट करेगी। तो जो भी कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी एक्चुअली में क्रिएट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और जो आपकी दिखाई, जैसे मैंने एक सोल्यूशन बनाया, इस सोल्यूशन को मैंने बनाते हुए जब कैलकुलेट कर रहा था तो सपोज करो कि इसकी कंसंट्रेशन आपकी 0.5 मोलैरिटी की हो रही थी, है ना। बट जब कंडक्टिविटी से हमने इसकी कंसंट्रेशन निकाली, कंडक्टिविटी यानी प्रैक्टिकल करके जब हमने इसकी कंसंट्रेशन निकाली तो वहां से कंसंट्रेशन हमें मिली है 0.4। आई बात समझ? तो ये जो आपकी प्रैक्टिकली बेसिस पे जो कंसंट्रेशन निकल के आई वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, और जो आपने सोल्यूशन बनाते हुए कंसंट्रेशन ली है वो आपकी कैसी कंसंट्रेशन है, एक्चुअल कंसंट्रेशन है। डन? ओके, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा का जो फॉर्मूला होगा वो देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा होता है लैम्डा इक्विवेलेंट एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, सॉरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो कंसंट्रेशन। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा होता है लैम्डा मोलर एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर? डन? ये किसका फॉर्मूला है, अल्फा का फॉर्मूला है। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है कि भाई आपकी वैल्यू किस तरीके से रेशियो में आएगी किसी भी कंसंट्रेशन पे, जो आपको लैम्डा की वैल्यू दे रखी है इक्विवेलेंट की, वो डिवाइडेड बाय आपकी इनफाइनाइट वैल्यू। और आपको शायद पता होगा कि इनफाइनाइट पे जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, पता है ना। लैम्डा की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन बनाएगी या लेस देन बनाएगी, ये सोचो जल्दी से बताओ मुझे। अल्फा की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन बनाएगी या लेस देन बनाएगी, लेस देन बनाएगी। गुड, ठीक है, ओके गुड, बहुत बढ़िया। फिर से सुन लो कि अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि इनफाइनाइट पे कितना आपका लैम्डा दिया है और किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, नॉन कंसंट्रेशन पे आपकी लैम्डा की वैल्यू कितनी है। तो उन दोनों का अगर आप रेशियो निकाल दोगे, डेट डिफाइन द क्या क्या डिफाइन करेगा, अल्फा की वैल्यू को डिफाइन करेगा। डेट डिफाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिंपली इट इज द रेशियो बिटवीन लैम्डा इक्विवेलेंट एट एनी कंसंट्रेशन एंड लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है,
ओके चलो अब इस पे एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको ये भी, ये आपका बोर्ड के लिए है ना, ये आप याद रखना, ये एडवांस के लिए नहीं है, कहीं आप इस पे भी स्टार लगा दो, ये आपका अलग है, स्टार के लिए केवल वही था ऊपर वाला, तो वो आप कर सकते हैं। चलो और सवाल करते हैं इसमें, यहां पे लिखा हुआ है लैम्डा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है 1.0028 इंटू 10^-3, सॉरी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स के। यार क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया यार, आपको दे रखा है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 1.0028 इंटू 10^-3 नॉर्मल। भाई क्या हुआ, ये सब लोग क्यों लिख रहे हैं इस पे? नॉर्मल क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड, क्या होता है फॉर्मूला एसिटिक एसिड का? अरे क्या बात है, ठीक है, आपसे कह रहा है लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 390.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आपको दी हुई है। कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन, बताइए परसेंटेज डिसोसिएशन एंड एच प्लस कंसेंट्रेशन। चलो दो काम हो जाएंगे इसके अंदर, हम निकाल सकेंगे परसेंटेज डिसोसिएशन और क्या निकाल सकेंगे आपका एच प्लस कंसेंट्रेशन। फटाफट से सॉल्व करिए, ट्राई करिए। फटाफट से, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको ये करा रहा हूं, ये मैं आपको आयनिक से इसलिए रिलेट करा के करा रहा हूं ताकि आप आयनिक पढ़ें, और आप अगर आयनिक नहीं पढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, मैं पहले भी बता चुका हूं ये बड़ी बात। ट्राई 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 ट्राई, एक ही आंसर आया, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना है और पीएच निकाल, पीएच कह रहा हूं, एच प्लस निकालना है। ट्वेंटी सिक्स परसेंट संजना का, ओके, और आगे किसी का कोई आंसर?
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देने के बाद आपसे कह रहा है मोलर कंडक्टेंस ये है, सॉरी मोलर कह रहा हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट भी दिया हुआ है। दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है बस। तो देखिए ध्यान से, लैम्डा इक्विवेलेंट एट एनी कंसंट्रेशन कितना गिवन है आपके पास, 48.15 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। और दूसरा आपको लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 390.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके, अब मुझे ये बताइए क्या मैं अल्फा निकाल सकता हूं यहां से, क्या मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं आसानी से, कैसे? आपको केवल ये डिवाइड ही तो करना है, तो ये डिवाइड करके आपको क्या आ जाएगा, 48.15 डिवाइडेड बाय 390.6। तो हमारा सॉल्व करके कितना बनेगा, कोई बताएगा, किसी ने सॉल्व किया हो तो 0.1233 आ जाएगा सॉल्व करके। टेन टू दी पावर माइनस फाइव क्यों लिया है, ये तो आपको नॉर्मेलिटी गिवन है बेटा, ये वाली वैल्यू तो नॉर्मेलिटी है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.028 टेन टू दी पावर माइनस थ्री नॉर्मेलिटी ऐसे। ये सी अल्फा कहाँ से आया, कंसंट्रेशन इनटू अल्फा इज इक्वल टू एच प्लस, ये कहाँ से आया आपके पास, कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा बता सकता है मुझे, एच प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा ये कहाँ से मिल रहा है आपको, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंटली एक चीज समझो, बहुत प्यार से एक चीज समझो, जब हम बात करते हैं कि बेटा आपके पास एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड अगर वीक एसिड है तो हमारे लिए क्या बनेगा, देखो ध्यान से, CH3COOH, इसको अगर अपन डिसोशिएट करेंगे इक्विलिब्रियम में तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COO- और एच पॉजिटिव, क्या मैंने गलत लिखा है, सही है ना? अच्छा,
मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन आपकी सी थी जब हमारे पास टी इज इक्वल टू जीरो था, ठीक है, और ये तो कुछ था ही नहीं हमारे पास, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जहां पे हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं उस टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको अल्फा दिया हुआ है, तो ये आपको क्या आ जाएगा, सी माइनस सी अल्फा, ये बनेगा सी अल्फा और ये भी बनेगा सी अल्फा, और हमें इसी टाइम पे एच प्लस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, डेट मीन्स कि एच प्लस आपका क्या हो जाएगा, सी अल्फा हो जाएगा। किसी को कुछ भी समस्या है इसमें तो बता दे, ठीक है, तो हमारे पास एच प्लस की वैल्यू आ गई डेट इज सी अल्फा, और हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म भी आपको गिवन है नॉर्मेलिटी के फॉर्म में, ठीक है, सी अल्फा में कोई यहां पे आपको कंसंट्रेशन टर्म गिवन है नॉर्मेलिटी के फॉर्म में, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी के फॉर्म में क्या वैल्यू दे रखी है वो रखिए, आपकी नॉर्मेलिटी के फॉर्म में क्या वैल्यू दे रखी है वो रखिए, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है नॉर्मेलिटी के फॉर्म में वो रखिए और अल्फा की वैल्यू रखिए, जल्दी से रखिए और मेरे को आंसर बताइए कि एच प्लस कंसंट्रेशन आपकी कितनी आएगी। वन पॉइंट जीरो टू एट इंटू 10^-3, ये तो आपका क्या हो गया कंसंट्रेशन, और अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 0.12, तो सॉल्व कर सकते हैं आप क्या। तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.12 × 10^-3, तो ये आपकी किसकी कंसंट्रेशन आ गई, एच प्लस कंसंट्रेशन। तो आपको पता चल गया ना कंडक्टिविटी से कैसे आप आयनिक इक्विलिब्रियम को रिलेट कर पाओगे, आयनिक इक्विलिब्रियम से कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बता दे, अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, क्लियर है, ओके। चलो एक और सवाल, लास्ट सवाल करते हैं, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन होगा, आपको ट्राई करना है खुद से ही, और देखो ईमानदारी से ट्राई करना है, ऐसा मत करना कि आप चीटिंग करो या कहीं से भी देखो, उससे वैसे कोई फायदा होने वाला है नहीं, और वैसे भी ये क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं कहीं पे, देख लो। फॉर एसिटिक एसिड, फॉर एसिटिक एसिड यहाँ पे आपको दे रखी कंसंट्रेशन 0.01 नॉर्मल हैज नॉर्मल, और इसके लिए आपको क्या दे रखा है, के ए इज इक्वल टू 10^-5 10^-6, के की वैल्यू आपको दे रखी 10^-6, इफ इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज 310 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, देन कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सेकेंड पॉइंट आप क्या कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, सेकेंड पॉइंट हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, नॉर्मेलिटी है, कंडक्टिविटी यानी कापा, ठीक है, तो ये दो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए कल,
लेक्चर के अंदर, जैसे ही हम कल या परसों जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आएंगे, तो सबसे पहले मैं ये होमवर्क चेक करूंगा, देन उसके बाद हम जाएंगे अगले टर्म पे, अगला जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, डेट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अगले लेक्चर में मैं आपको प्रॉपरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताने वाला हूँ, जहां पे हम समझेंगे कि सेल, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट ब्रिज और इन सब के काम हमारे पास है क्या, किस तरीके से रिएक्शन लिखी जाएंगी, किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ये हम कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर किसी को भी कंडक्टिविटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता सकता है। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कॉलर हाउस लॉ के कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया है। वो इसलिए नहीं कराया कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो एक बार आप ट्राई करेंगे कि दो इलेक्ट्रोलाइट को मिला के तीसरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कैसे निकालोगे, कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, ये आप एक बार ट्राई करिएगा। अगर फिर भी नहीं हो तो मैं तो हूं ही, जब ये पूरा चैप्टर रैपअप करेंगे तो वहां पे मैं ये सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है, अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है। वैसे तो चल ही नहीं रहा होगा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है क्या है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया। आया समझ में? हाँ या ना, फटाफट से थम्स अप दे सकते हैं आप और हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया। किसी को कुछ पूछना है तो उसके लिए हैंड रेज कर सकते हैं आप। आ गया, गुड, बहुत बढ़िया। जिसको कुछ कहना है वो आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ कह सकता है अगर कहना चाहे तो। सर आज स्लाइड मिलेगा ना इसका, कंडक्टेंस का? हाँ आज आपको मिल जाएगा, आज इसका स्लाइड मिल जाएगा। अनिकेत, आज मैं ये स्लाइड भेज दूंगा सौरभ सर को, सौरभ सर आपको भेज देंगे, या फिर देखता हूं मैं किसी कांटेक्ट पर्सन को भेज दूंगा जो आपको भेज देंगे। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको किसी को कुछ नहीं पूछना है तो आज के सेशन को यहीं एंड करेंगे, बट ये होमवर्क जरूर करके लाइएगा, वरना कोई फायदा नहीं है ये सब पढ़ने का भी आपको।